ओए इससे बड़ा बनाएंगे, बात खत्म, इससे बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा रॉकेट। बड़े ही धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ में, क्रेजी चीज के साथ में हम वापस से आ चुके हैं। और गाइस आज हमारे पास में है ये बड़े साइज के रॉकेट जो कि हमने बनाए हैं खुद ने, और आज करेंगे गाइस इनकी टेस्टिंग और देखते हैं कि क्या हम इसमें कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। गाइस हमारे पास में फिलहाल 3 रॉकेट्स हैं जिनको बनाने में लगी है बहुत ज्यादा मेहनत। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत बारीकी से हमने रॉकेट्स को बनाया है, बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, रॉकेट साइंस इतना आसान नहीं है भाई। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से बनाया, कैसा फ्यूल यूज़ किया, किस तरीके से उड़ेगा, क्या इसमें जो है बनाने में हमको दिक्कतें आई और किस तरीके से लास्ट में जा करके हमने ये डिज़ाइन अपनाया। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं। और भाई साहब इतनी जो है मेहनत करनी पड़ती है यार इन सब एक्सपेरिमेंट्स में, इन सब चीज़ों में भाई टाइम मेहनत पैसा सब कुछ लगता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो गाइस, हमारे हाथों को मजबूत करो ताकि हम ऐसी और मजेदार चीज़ें आपके लिए करते जाएं। तो भाई सब भी लोग अभी के अभी सब्सक्राइब दबा दो, फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ नया सीखने में कभी देर नहीं होती, खासकर जब बात आती है फाइनेंस की और जब एडिशनल अर्निंग्स की बात आती है तो मुझे तुरंत से ओलम ट्रेड ऐप याद आता है। ओलम ट्रेड ऐप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है बल्कि ट्रेडिंग सीखने के लिए भी है, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस और बिगिनर्स दोनों तरीके के ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट रहता है। और अगर आपको अभी ट्रेडिंग शुरू करना है तो ओलम ट्रेड ऐप पर एनालिस्ट के दिए सिग्नल्स को यूज करो और अपनी ट्रेडिंग शुरू करो। दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बम्पर गिफ्ट लूट बॉक्स लाया हूँ जिसमें एक पेड ट्रेडिंग टूल एकदम फ्री है, आप उसको अपने डिपॉजिट के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हो। भाई मैंने मेरा लूट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर लिया है जिसमें मुझे मिला है एक्सपर्ट स्टेटस, जिसमें मुझे 10% हायर प्रॉफिट के साथ में 1 महीने में 4 बार एनालिस्ट को कॉल करने की सुविधा मिलती है जिनकी पर्सनल कंसल्टेशन की मदद से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं। दोस्तों यहां पर इसकी जो कीमत है वो $500 है लेकिन मुझे तो एकदम फ्री में मिला है ओलम ट्रेड से। आप भी इसको ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ओलम ट्रेड को चेकआउट करो, रजिस्टर करो, एनालिस्ट के सिग्नल्स को यूज करो और मेरा कोड GW30 यूज करके पाओ 30% तक का बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हुई थी हमारी छोटी वाली शुगर रॉकेट्स के साथ में जो कि हमने अपने हाथ से बनाई थी इतने इतने साइज की और उनको उड़ाया था और वो सक्सेसफुली काम भी करी थी। उसके बाद में हमने उससे बड़े साइज की रॉकेट्स बनाई, 3 रॉकेट्स बनाई थी, उसमें से एक बहुत ही मस्त उड़ी थी और जो 2 रॉकेट्स थी वो अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाई थी, एक तो वहीं फेल हो गई थी, एक ऊपर जा करके फट गई थी। तो हमने सोचा कि भाई अब जो है करते हैं चीज को स्केल अप, करते हैं गाइस लेवल अप, और इसीलिए यहां पर लेवल अप वाली जो रॉकेट्स है वो
है आप लोगों के सामने। हमने 3 रॉकेट इस बार बनाई है। पिछली बार की जो नॉलेज थी उससे काफी कुछ सीखा है और यहाँ पर आकर के जो रॉकेट्स हैं वो हो चुकी हैं गाइस तैयार। ये है छोटे साइज की, ये है सबसे बड़े साइज की और ये है गाइस मीडियम साइज की, लेकिन साइज इसका भी काफी बड़ा है। अभी फिलहाल ये जो रॉकेट्स हैं इनमें फ्यूल नहीं है। आप लोग अगर नीचे से देखोगे तो ये खाली दिखेंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो मोटर्स है वो नहीं लगी है और इसीलिए अभी इनका वेट भी काफी कम है। अब गाइस इनके अंदर मोटर्स लगाते हैं और इनको लॉन्च करते हैं। गाइज ये जो रॉकेट है ये सबसे छोटे साइज का है, लेकिन जो पाइप यहाँ पर है, जो रॉकेट बॉडी है, उसकी जो मोटाई वो तीनों की सेम है। आगे हमने एक जो है पेनी शेप बनाई है ताकि एरोडायनेमिक हो सके, हवा को बढ़िया से काट सके, और पीछे यहाँ पर गाइज फिन्स लगाए हैं ताकि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें और रॉकेट सीधी जाए। फिलहाल ये भी अंदर से खाली है, व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में क्या जबरदस्त लग रही है। छोटे का मतलब ये नहीं है कि पावर इसमें कम है, पावर इसमें सबके बराबर है, लेकिन इसका वेट सबसे कम है, तो ये जो है ना भाई सबसे तगड़ा भी चल सकता है, कुछ नहीं पता। गाइज ये है हमारे रॉकेट का इंजन यानी कि रॉकेट का मोटर, और यहाँ पर 3 रॉकेट्स के लिए यहाँ पर हमारे पास में जो है 3 मोटर्स भी हैं, और ये जो है आप अगर इसको पास से देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस दिखेंगे इसके ऊपर। ये गाइज ऐसे ही नहीं है, ये जानबूझकर हैं ताकि ये जो है बढ़िया से पकड़ बना सके रॉकेट के साथ में, उसको धक्का मार सके, और ये जो है सिंपली हमारे रॉकेट के नीचे देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से घुस जाएगा और इसको कर देंगे गाइस फिक्स। और अब ये जो रॉकेट है एकदम तैयार है, लेकिन मैंने उल्टा इसको लगा दिया है, इसको ऐसे नहीं लगाना, इसको प्रॉपरली चिपकाना भी पड़ेगा। और गाइस हमने देखो इतनी फिट एंड फिनिश रखी है कि ये ऐसे तो निकल भी नहीं रहा है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, मैंने देखा नहीं उल्टा घुसा दिया। चलो इसको चिपकाते हैं, 3 रॉकेट्स को तैयार करते हैं। और गाइस जब हम ये रॉकेट्स बना रहे थे तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई कि कोई टाइम पर इंडिया को स्पेस की चीज़ों में बहुत ही कमज़ोर समझा जाता था, और इसरो ने आज की डेट में इतनी प्रोग्रेस कर ली है, इतना आगे बढ़ गया हमारा देश इसरो की मदद से, इतना ज़बरदस्त काम किया इसरो ने कि आज भाई साहब दुनिया में अगर किसी को कुछ भी लॉन्च करवाना होता है सस्ते में तो फिर से इंडिया के पास में आते हैं। तो इसीलिए हमारा गाइस ये जो एक्सपेरिमेंट है रॉकेट्स वाला, देखो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही रो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन गाइस हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं हमारे इसरो के उन साइंटिस्ट को जिन्होंने दिन रात लग करके हमारे देश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, हमारा नाम बनाया। तो इसीलिए यहां पर इसरो का जो लोगो है वो गाइस हम हमारे इस रॉकेट पर लगाना चाहते हैं। सब कुछ रेडी है, फिलहाल सब लोग जो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, यहाँ पर रॉकेट जो है वो लॉन्च पैड पे जा चुका है। एक बार चलो गाइज आपको दिखा देते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है फटाक से। यहाँ पर जो रॉकेट है वो इस सरिये के पास में लगा हुआ है ताकि इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए, और भाई देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो रॉकेट है 6 फीट का रॉकेट है, मुझसे बड़ा है, देखते हैं कितना ऊंचाई पर जाता है। जो लोग पास हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमने 3 सेफ्टी के लिए प्लाईबोर्ड्स लगाए हैं कि रॉकेट अगर यहीं पर आ जाए, जो दूर है उन पे जो है ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर गाइस सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग दोनों हम जो है कैमरा के इसके पीछे रहेंगे। गाइस मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आग, ठीक है। 3, 2, 1 गो। कुछ हुआ है? ओहो वहीं पे जल रहा है क्या? ओहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। फेल। फेल हो गया गाइस। चलो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। भाई साहब जो रॉकेट है सारा फ्यूल जल चुका है, बट अच्छी बात है कि सब कुछ सेफ है, लेकिन हमारा जो एक कैमरा है वो जरूर गाइस आग में। ओहो गया भाई कैमरा, गया झुलस गया। ओ शिट। तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट रॉकेट है वो हो गया है फेल, और यही होता है गाइस रॉकेट साइंस अगर इतना आसान होता तो हर कोई इसको कर लेता। गाइस हम हार नहीं मानेंगे, 2 रॉकेट्स अभी भी हमारे पास में हैं, दूसरा लगाते हैं। सेकंड लॉन्च इन 3, 2, 1 गो। क्या हुआ? ओहो गाइस ये वाला भी यहां पर जो है ऊपर नहीं गया यार। In 3, 2, 1 go! Whoa!
गाइस, यहाँ पर जो रॉकेट है बड़े साइज वाला, मतलब इनमें तो छोटा था लेकिन साइज सभी का सेम था, मोटर ऑलमोस्ट सेम थी, वो जो है भाई साहब इस बार लॉन्च हुआ और ऊपर भी गया। और अब आप देख सकते हो कि हीट की वजह से इसकी जो बॉडी है उसकी शेप एकदम बिगड़ चुकी है। तो गाइज यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है आधा सफल तो हो चुका है, लेकिन गाइज मजा जब आएगा जब बड़ा वाला जो रॉकेट है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर इसने मेरे अंदाजे से लगभग 101 फीट जो है वो हाइट भी कवर करी होगी। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये तो एकदम सक्सेसफुल रहा है। गाइज रॉकेट साइंस इतना आसान बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए भाई साहब अगर इतना आसान होता तो हर कोई रॉकेट बना लेता। लेकिन आप सोचो कि हमने ये पूरा हाथ से बनाया रॉकेट जो है वो काम कर रहा है, वो उड़ा भी, इसमें से जो है यहाँ पर धुआं निकल रही है। ये गाइज बेसिकली इसमें धुआं भी नहीं होती, इसमें हवा और पानी और CO2 वगैरह ही होता है। गाइज दूसरा दिन है आज, कर रहे हैं रॉकेट को लॉन्च, फिर से मॉडिफाई किया है, इंजन जो है दोबारा बनाना पड़ा, रॉकेट जो है उसका बॉडी दोबारा से बनाना पड़ा। करते हैं लॉन्च इन 3, 2, 1 गो। उत्तरी अबे ये क्या हुआ तो गाइस करते हैं लॉन्च इन 3, 2, 1 गो। Years later. 3, 2, 1 go! Whoa! Shit! Guys, rocket science इतना आसान नहीं है, और हमको हमारे इन rockets को लॉन्च करते करते भाई साहब 2 हफ्ते हो चुके हैं, और हमने बहुत बार कोशिश करी है भाई साहब। हम जो है पहले दिन फेल हुए, एक रॉकेट हालांकि हमारा जो है ठीक ठाक चला था लेकिन वो भी पूरा जल गया था, वो जो मज़ा है ना ज़बरदस्त वाला वो नहीं आ पा रहा था। आज हम फिर से आए हैं, हमने जो फ्यूल है उसको बार बार अलग अलग जो है कॉम्पोजिशन में बनाया, अलग अलग अमाउंट्स में जो है चीज़ों को मिक्स किया, नई नई चीज़ें ट्राई करी, जो रॉकेट का शेप है उसके साथ में एक्सपेरिमेंट की, जो फिन्स है उसके साथ में किया, जो इग्निशन मैकेनिज्म है उसके साथ में किया, बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं, और अब हम जो है लगभग गाइस थक हार चुके हैं। तो आज हमने एक और बड़ा चेंज किया है फ्यूल के साथ में, और आज हम करने वाले हैं आखिरी बार इसकी टेस्टिंग। तो देखते हैं क्या होता है, अगर ये चल गया तो आ जाएगा मज़ा, लेकिन भाई बात वही है, रॉकेट साइंस कहने में इजी लग सकता है लेकिन है बिल्कुल नहीं। इतने दिन हो चुके लेकिन हम भी गाइस डटे हुए हैं कि रॉकेट तो चल आगे छोड़ेंगे, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, इन 3, 2, 1 गो। अभी तक रॉकेट चल रहा है गाइस, आप लोग देखो यहाँ पर, अब एक चीज देखो, अभी तक फ्यूल निकल रहा है, इसके ज्यादा पास नहीं जाएंगे। देखो गाइस कितना मस्त तरीके से जो फ्यूल है वो फिलहाल बर्न हो रहा है यहाँ पर,
क्या बात है। और अब जो है सारा का सारा जो फ्यूल है वो जल चुका है और भाई साहब इस बार जो रॉकेट है वो लॉन्च हुआ प्रॉपरली, बस कम ही रह गई। तो ये थी कि जो डायरेक्शन है ना वो बढ़िया से नहीं पकड़ी, लेकिन ये भी नहीं हुआ कि ऊपर से फट जाए, ये भी नहीं हुआ कि इतना थ्रस्ट ना बना पाए कि ऊपर ही ना जाए। तो गाइस परफेक्ट रॉकेट लॉन्च तो हुआ है, अगर स्पीड थोड़ी सी और होती तो ये ऊपर की तरफ जाता और साथ ही साथ में रफ्तार भी पकड़ता, लेकिन लॉन्च पैड से लगभग जो है 100 से जो है थोड़ा सा कम होगा, लगभग 80 फीट की दूरी पर आकर के ये गिरा है। और अब जो रॉकेट है वो तो बॉडी पूरी जल चुकी है, लेकिन गाइस यहाँ पर हमको मिली है सक्सेस पहली बार, और पहली बार इस फ्यूल में भी मजा आया। कमाल की बात ये है कि इतने भारी रॉकेट को, इतने बड़े रॉकेट को हमारा खुद का हाथों से बनाया जो फ्यूल है वो उठा पाया। तो गाइस आज हमको मिली है एक ऐसी कामयाबी जिसमें हमारा जो रॉकेट है वो लॉन्च हुआ, एक दूरी तक ट्रेवल किया और जा करके गिर गया, उसके बाद उसका फ्यूल जलता रहने की सारा सिस्टम ठीक है, सिर्फ रॉकेट ऊपर नहीं गया। एक तो दिक्कत ये थी और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो स्पीड थी वो स्लो थी, अगर स्पीड फास्ट होती तो जल्दी की तरफ जो है जल्दी से जो है ऊपर की तरफ जाता तो तब जो है ज्यादा मजा आता। लेकिन गाइस हम हमारी कोशिश को रोकेंगे नहीं, आज की इस वीडियो को तो गाइस हम यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है रॉकेट्स को और इंप्रूव करेंगे और मजेदार तरीके से चलाएंगे। आप लोग भाई साहब हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वीडियो के लिए बस लाइक का बटन दबा देना गाइस। वैसे मजा इसमें भी हमें बहुत आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो भाई साहब नेक्स्ट ट्राई जल्दी करेंगे, पार्ट टू भी आएगा। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और दोस्तों अभी डाउनलोड करो ओलम ट्रेड ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और मेरा कोड ZW30 यूज करो और पाओ फ्री लूट बॉक्स और बहुत सारे प्रॉफिट्स।